सारे ए से क्यों हैं? अंकिता, निशा, निशा। अरे मम्मी पापा कितना टाइम ले रहे हैं बेबी का नाम, जल्दी चूज कीजिए ना। एक मिनट पढ़ने तो दो, एक सेकंड। अनुराधा, अर्पिता, अनुश्री। कौन सा नाम अच्छा है बताओ, अंकिता, मायरा या फिर अनाया? सारे तो लड़कियों के नाम, लड़कों का नाम है ही नहीं लिस्ट में। I don't like boys. क्यों? I'm a boy. पापा, पापा है ना इसलिए। और बॉयज सारे बुद्धू होते हैं, बिल्कुल अलीचे। इसलिए मुझे सिर्फ सिस्टर चाहिए, मेरी जैसी स्मार्ट, जिसके साथ मिलकर मैं किया जैसी बैड गर्ल्स को अच्छा सबक सिखा सकूं। अरे बड़ी आई सबक सिखाने वाली सुपरस्टार क्यों अश्विनी? हाँ लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़के तो बदमाश होते हैं। बिल्कुल सही कहा मम्मी, लड़के बिल्कुल बदमाश होते हैं। और मुझे भी इसकी वजह से बेटी चाहिए जो थोड़ी सी अश्विनी की तरह हो और थोड़ी सी मेरी अवनी की तरह। अवनी प्लस अश्विनी इक्वल टू अंकिता अमरो निजो नो 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 ता अलाया। ये क्या था पापा? ये सेम पिंच था। वैसे मामा तुम्हें कौन सा नाम पसंद आया? हाँ बताओ बताओ मामा। मुझे भी अनाया पसंद है। पापा को सिंपिंच दे दिया? दे दिया। हो गया बेबी का नामकरण। हो गया बेबी का नामकरण। पापा की नकल उतर। आशा, आशा आई आई है। एक मिनट। ताई, आइए ना बैठिए। हाँ नहीं मैं ना तुझे वो लहसुन चटनी अच्छी लगती है ना वो लाई थी। पकड़ो 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 जल्दी से उसको पकड़ो 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 ठीक से पकड़ो यार। रखो संभाल के ठीक से बनाएंगे हम। देखो कौन आया। चलो 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 छोड़ो छोड़ो उसको। सुमुकिता है, सादर प्रणाम करो। हेलो सुमुकिता है, हमारा सादर प्रणाम आपको। ताई क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम तीनों को एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काकी तीन नहीं चार। आशा मुझे ऐसे लगता है कि तुम सबको मंदिर जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। गुड आइडिया। एक्चुअली वेरी गुड आइडिया। पर मम्मा मंदिर सिर्फ आप तीनों को जाना चाहिए। मम्मा पापा और मेरी प्यारी बहन अनाया। अच्छा हम तीनों जाएंगे तो तुम क्या करोगी अकेली घर पे? अरे पापा मैं मेरा कैंडलस्टिक हाउस कंप्लीट करूंगी। अरे तुम्हारा हाउस तो मैं तुम्हारे साथ बनाना चाहता था। पापा तू मेरा हाउस आपने पूरा कर दिया। की बच्ची हम चले जाएंगे तो तू अकेली कैसे रहेगी घर पे? जहां अली वहां अवनी इज नेवर अकेली।
कुछ नहीं अवनी, तेरी मम्मा पहली बार सबके सामने तेरे पापा के गाड़ी में बैठ रही है ना, इसलिए। तुम रुको, साइड हटो। बैठो। ये रहा आपका पल्लू। बाय। अच्छा अवनी, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे आवाज देना, ठीक है? अरे काकी, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वाह ही मुलगी पढ़ना। एटम बम है, एटम बम। आई मी। अरे चल अली, चल केमिस्ट्री का बनाना है। हाँ। अरे हाँ ऐसे। नीला, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? वो पापा, मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ आशीष के साथ आऊं, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। पर कोई बात नहीं, मैं भी सिद्धि हूँ, देखिए ले आई हूँ आशीष को अपने साथ। हाँ ये बात तो सच है बेटा कि तस्वीरें इंसान की तरह बदलती नहीं है, लेकिन तस्वीरें इंसान की तरह प्यार भी कहाँ करती हैं बेटा। हाँ पर ये भी सच है बाबा कि तस्वीरें खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेती है। ये बात बिल्कुल सही है। एक काम करो, आज तुम ना देवी माँ से जो मर्जी है मांग लो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें सब मिलेगा। क्या मांगू मैं, सब कुछ तो है मेरे पास, मेरे बाबा भी है और अब तो आशीष भी है। बरसों पुराना सपना पूरा हो गया, पति के रूप में तूने मुझे आशीष दे दिया। भगवान आपने मेरे सारे संकट दूर कर दिए, बरसों से जिसकी आस थी वो सारी खुशियां मुझे दे दी। बचपन से जिसकी तमन्ना थी माँ जैसी सास मिली, घर वालों से भरा घर, जो दुनिया मैंने सोची थी वो मेरी आंखों के सामने है, सब मिल गया है मुझे। थैंक यू माँ। जिस दुनिया का मैंने तसव्वुर किया था आज वो मेरी नजरों के सामने है, शुक्रिया भगवान। आशीर्वाद दीजिए माँ, आशीष हमेशा के लिए मेरा पति रहे। आशीर्वाद दीजिए भगवान, आशीष का प्यार हमेशा के लिए मेरा रहे।